जमेगा, तीन होती हैं, तीन डिविजन्स होते हैं। आज हम उसके बच्चे में दो डिविजन्स देखेंगे, तो दूसरा डिविजन जो है इसका मैक्सिलरी डिविजन है। अब मैक्सिलरी डिविजन जो है वो मैक्सिलरी डिविजन पास करता है लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से, ट्राइजोमैनल गैंग्लियन से निकलेगा, जो मैंने कल आपको बताया था मेकल्स केव के ऊपर होता है, पिछले वीडियो में बताया था मेकल्स केव के ऊपर ट्राइजोमैनल गैंग्लियन होता है, और ये पास करता है लेटरल वॉल ऑफ कैवर्नस साइनस से। और ये फोरामेन रोटेंडम से पास करेगा और टेरिगो पैलेटाइन फोसा के अंदर एंटर करेगा। फोरामेन रोटेंडम से पास करेगा और टेरिगो पैलेटाइन फोसा में एंटर करेगा। ये जो मैक्सिलरी डिवीजन है ट्राइजोमैनल नर्व का, ये एफरेंट लिम्ब को मीडिएट करता है, एफरेंट लिम्ब को, स्नीज रिफ्लेक्स के एफरेंट लिम्ब को मीडिएट करता है। अगर आपसे बार बार में एक्सटर्न पूछता है कि एफरेंट स्नीज रिफ्लेक्स के एफरेंट लिम्ब को कौन मीडिएट करता है, तो ट्राइजोमैनल नर्व आप आंसर देंगे, ठीक है। अब ट्राइजोमैनल नर्व का सेकेंड डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, ट्राइजोमैनल नर्व आंसर नहीं देंगे, ट्राइजोमैनल नर्व का सेकेंड डिवीजन दैट इज मैक्सिलरी डिवीजन, ये मीडिएट करता है एफरेंट लिम्ब ऑफ स्नीज रिफ्लेक्स को। तो इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होंगी, मेरेंजियल ब्रांच, टेरिकोपैलेटाइन नर्व, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, जाइगोमेटिक नर्व, इंफ्रा टेम्पोरल नर्व, और कुछ अदर ब्रांचेस भी होते हैं, जैसे ऑप्टिकल ऑर्बिटल ब्रांच होती है, फायरेंजियल ब्रांच होती है, ग्रेटर पैलेटाइन नर्व होती है, लेसर पैराटाइन नर्व होती है। तो अगर मेनेंजियल ब्रांच के में देखें तो ये ड्यूरा मैटर ऑफ मिडिल क्रैनियल फोसा को इनोवेट करता है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, जब अभी कुछ दिनों में जो कुछ आने वाले कुछ दिनों में वीडियो आएगी ड्यूरल वेनस साइनसिस की, उसके अंदर ये मेनेंजियल ब्रांच का अच्छे से जिक्र किया हुआ है। इसके बाद टेरिगो पैलेटाइन ब्रांच या कम्युनिकेटिंग नर्व, ये सेंसरी ब्रांचेस लेके आती है थ्रू टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन एंड ज्वाइंस द ब्रांच ऑफ द गैंग्लियन, टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन इस पे लोकेटेड, ठीक है। अगर मैं बात करूं सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, सुपीरियर एल्वियोलर, पोस्टियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, ये टेरिगो पैलेटाइन फोसा को लीड करती है और चीक्स, गम्स, मोला, टीथ एंड मैक्सिलरी साइनस इनको इनर्वेट करती है, ठीक है। कौन किस किस को इनर्वेट करेगी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, चीक्स को, गम्स को, मोलर टीथ को और मैक्सिलरी साइनस को। जाइगोमेटिक नर्व, जाइगोमेटिक नर्व ये इसका कोर्स चलता है जो मैक्सिलरी साइनस के अंदर, डिवाइड करती है जाइगोमेटिक को टेम्पोरल और जाइगोमेटिक को फेशियल नर्व के अंदर। इसमें से जो जाइगोमेटिक को टेम्पोरल नर्व होती है ये लिंगुअल नर्व से भी कनेक्शन बिठाती है आगे जाके, जाइगोमेटिक को टेम्पोरल नर्व लिंगुअल नर्व से भी कनेक्शन बिठाती है, जो कि फर्स्ट डिवीजन में आती है लिंगुअल नर्व। आप फर्स्ट डिवीजन का वीडियो देखिएगा, जाइगोमेटिक को टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिक को फेशियल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, मिडल एंड एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व को ये इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व से निकलते हैं। भाई पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व तो निकल गई, अब मिडल और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व से निकलती है, ये किस किस को सप्लाई करेगी, मैक्सिलरी साइनस को, टीथ और गम्स को, ठीक है। आप देखो पोस्टियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व जैसा ही काम है, वो भी मैक्सिलरी साइनस को काम दे रही थी सप्लाई, टीथ को, गम्स को वो भी दे रही थी, ये भी सेम काम करेंगे मैक्सिलरी साइनस टीथ एंड गम, वो कौन से मोलार टीथ को दे रही थी। इट डिवाइड्स इन द फेस इनटू इंफीरियर पैल्पेब्रल लेटरल एंड सुपीरियर लेबियल आर्टरीज ब्रांचेस, सॉरी ब्रांचेस, इंफीरियर पैल्पेब्रल लेटरल नेजल एंड सुपीरियर लेबियल ब्रांचेस। अदर ब्रांचेस की अगर अपन बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑर्बिटल ब्रांच जो कि ऑर्बिट को एंड सुपीरियर इथमॉइडल एंड स्फेनॉइडल साइनस को सप्लाई करेगी, फेरेंजियल ब्रांचेस, फेरेंजियल ब्रांचेस रूफ ऑफ फेरिंग्स एंड स्फेनॉइडल साइनस को सप्लाई देगा, ग्रेटर पैलेटाइन जो है हार्ड पैलेट को सप्लाई देगा और लेसर पैलेटाइन सॉफ्ट पैलेट को सप्लाई देगा। तो ये ऑर्बिटल ब्रांच, फेरेंजियल ब्रांच, ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच एंड लेसर पैलेटाइन ब्रांचेस, ये भी कुछ इसकी ब्रांचेस होती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम में नोट्स की तरह से काम आ जाएगा, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इसकी एक और होती है ब्रांच नेजो पैलेटाइन नर्व, ये नेजल सेप्टम, हार्ड पैलेट, इंसाइजस, स्किन ऑफ फिल्ट्रम और गम्स,
इनको इनर्वेट करती है, ठीक है। अब मैं इसके मैंडिबुलर डिवीजन की बात करता हूँ, जिसका अपन स्कीमेटिक डायग्राम भी देखेंगे, उससे अच्छे समझ में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडिबुलर डिवीजन या फिर मैंडिबुलर नर्व, जिसमें आपको क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, मिडिल क्रैनियल फोसा से पास करती है, निकलती किससे? फोरामेन ओवेल से, फोरामेन ओवेल से निकलती है, टू सप्लाई मोटर फाइबर्स टू द मसल्स ऑफ फर्स्ट ब्रिंकियल आर्च। मैं जब एम्ब्रियोलॉजी लूंगा इनकी ब्रिंकियल आर्चेस आपको बताऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि मसल्स ऑफ फर्स्ट ब्रिंकियल आर्च कौन कौन सी होती है, उनको ही सप्लाई देती है, इंक्लूडिंग टेंसर वेली पेरिटोनियम, टेंसर टिम्पेनी, एंटीरियर वेली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड मायलोहायड एज एंड माइलोहायड मसल एज वेल एज मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। ये मैंने नीचे स्कीमेटिक डायग्राम में अभी मैं बताऊंगा आपको, उसमें समझा रखा है, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों एफरेंट और इफरेंट लिम्स, जो मेसेंट्रिक और जॉ जर्ब रिफ्लेक्स जो अपन करते हैं फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स के अंदर, उसमें अपन जो जॉ जर्ब रिफ्लेक्स, उसका मीडियन मीडियन मतलब एफरेंट और इफरेंट दोनों लिम्स मैंडिबुलर नर्व ही, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजमाइनल नर्व ही करती है, मीडिएट करती है। अगर आपसे एक्सटर्नल या बायवा में एनाटॉमी के अंदर भी पूछ सकता है और फिजियोलॉजी के क्लिनिकल के प्रैक्टिकल में भी पूछ सकता है। मैंडिबुलर नर्व के कुछ ब्रांचेस हैं, मेनिनजियल ब्रांच जो कि बड़े होकर फोसा के ड्यूरा को सप्लाई करती है, फिर बता रहा हूँ ड्यूरल वेना साइनसिस के लेक्चर में समझा जाएगा आपको। मस्कुलर ब्रांचेस मसल्स अभी देखे नहीं है अपन, इसलिए इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा। बकल नर्व इनर्वेट स्किन ऑफ द स्किन ऑन द बक्सिनेटर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चीक्स एंड गम्स। ये भी बक्सिनेटर का भी बकल नर्व भी मैंने आपको बता रखी है, लिंगुअल नर्व भी बता रखी है, जनरल सेंसेशन टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, कॉर्डा टिम्पेनी, कॉर्डा टिम्पेनी ये ज्वाइन करती है लिंगुअल नर्व से, कॉर्डा टिम्पेनी सेवेंथ नर्व, फेशियल नर्व की ब्रांच है, जो अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में फेशियल नर्व भी आएगी आप लोगों के पास, पहले इसका क्लिनिकल आएगा फिर फेशियल नर्व आएगी, तो उसमें फेशियल नर्व में आपको बताया जाएगा कॉर्डा टिम्पेनी, और ये इससे आगे लिंगुअल नर्व से आगे ज्वाइन करती है, और ये जनरल सेंसेशन टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, जनरल सेंसेशन टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। टंग पे क्वेश्चन जरूर आता है कि जनरल सेंसेशन टेस्ट सेंसेशन कौन कौन सी नर्व है, तो आपको ये बहुत याद करना जरूरी है कि जनरल सेंसेशन टू एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग कौन देता है, लिंगुअल नर्व देती है। इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, उसमें माइलोहायड नर्व है, माइलोहायड नर्व नाम से पता पड़ रहा है, माइलोहायड को इनर्वेट करेगी, एंटीरियर वेली ऑफ डायगेस्टिक। इन्फीरियर डेंटल ब्रांच इनर्वेट्स लोअर टीथ, स्किन ओवर द चीक, मेंटल नर्व स्किन ओवर द चीक, इंसाइजर ब्रांच मैंडिबुलर कैनाइन एंड इंसाइजर्स। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी पढ़ना, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आस्क्ड नर्व है एग्जाम के अंदर। मैंडिबुलर नर्व, मैंडिबुलर नर्व में आप देखो कि मैंने सेंसरी रूट मेनली सेंसरी रूट होती है इसकी, जो भी थिक होती है, और दूसरी होती है मोटर रूट, दोनों आएंगी फोरामेन ओवल, दोनों आएंगी और मैंडिबुलर नर्व बनाएंगी, फोरामेन ओवल से निकलेगी, मीडियल टेरिकॉइड को सप्लाई करेगी, टेंसर वैली पेरिटोनियम, टेंसर टिम्पेनी को सप्लाई कर देगी, टेंसर वैली पेरिटोनियम, टेंसर टिम्पेनी मैंने आपको बताया था, मसल्स ऑफ फर्स्ट ब्रिंकियल आर्च एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर आके आके डिवाइड हो जाती है एंटीरियर डिवीजन के अंदर और पोस्टीरियर डिवीजन के अंदर, पहले सप्लाई करिए टेंसर वैली पेरिटोनियम, टेंसर टिम्पेनी और मीडियल टेरिकॉइड को, फिर आगे आके डिवाइड हुई है एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन को। एंटीरियर डिवीजन में सप्लाई कैसे हो दिया, टेम्पोरलिस, मीडियल टेरिकॉइड, मैसेटर और बक्कल नर्व। बक्कल नर्व मैंने आपको सेंसरी ब्रांच ये बताया था, मैंने आपको बक्कल नर्व का मैंने आपको बता रखा है, बक्कल नर्व इनर्वेट स्किन ऑन द बक्सिनेटर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द चीक एंड गम्स। तो ओनली सेंसरी ब्रांच है ये एंटीरियर डिवीजन से, ओनली सेंसरी ब्रांच इकलौती यही है बक्कल नर्व, ठीक है, बाकी टेम्पोरलिस को सप्लाई, मीडियल टेरिकॉइड को सप्लाई, मैसेटर को सप्लाई, मसल्स ऑफ मास्टिकेशन है ये। और पोस्टीरियर डिवीजन में ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व की जो नर्व जो होती है ना, वैसे लूप बनाती है मिडिल मेनिनजियल आर्टरी बीच में आती है उसके, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व के मिडिल मेनिनजियल आर्टरी आ रही है, लूप बनाती है, देखो ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, लिंगुअल नर्व में गैंग्रियन होता है सब मैंडिबुलर गैंग्रियन, जो अपन फिर से लिंगुअल नर्व अपन ज्यादातर उसके अंदर पढ़ेंगे, कॉर्डा टिम्पेनी के साथ में किसमें पढ़ेंगे, फेशियल के अंदर। inferior alveolar nerve, nerve to mylohyoid and anterior belly of digastric, nerve to mylohyoid and anterior belly of digastric, ठीक है। तो आप इस चार्ट के भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये क्या है उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम सेक्शन में काम आ जाएगा, ठीक है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर, जो
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म्स का, उस टेस्ट को आप अटेंड करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।